So let's get सबसे पहले बात करते हैं स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन की जैसे हर सिविल जज का एग्जाम तीन स्टेजेस में होता है गुजरात में भी तीन राउंड होंगे फर्स्ट वन इज द वन इज प्रिलिम्स एग्जामिनेशन और फाइनल राउंड है इंटरव्यू अब इन राउंड को वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करते हैं सबसे पहले आते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम पे इसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है पैटर्न और सिलेबस तो पहले पैटर्न देख लेते हैं यहाँ का जो प्रिलिम्स होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पेपर होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ एक ही पेपर होता है गुजरात के प्रलिमिनरी में जिसमें हंड्रेड क्वेश्चन आते हैं हर क्वेश्चन एक नंबर का होता है तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हो गए पेपर के हंड्रेड लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है पॉइंट थ्री थ्री की तो ध्यान से पेपर को अटेम्प्ट करिए पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको दो घंटे का टाइम मिलेगा अब यहाँ पे दो स्पेसिफिक पॉइंट है नोट करने के लिए पहला तो ये कि अगर आपको मेन्स लिखना है तो आपको मिनिमम फिफ्टी स्कोर करना होगा प्रिलिम्स एग्जाम में साथ ही साथ जो यहाँ पे हंड्रेड क्वेश्चन होंगे आउट ऑफ दैट 75 क्वेश्चंस तो इंग्लिश लैंग्वेज में आएंगे लेकिन 25 क्वेश्चंस होंगे में, so आप पहला है लॉ दूसरा है, other parts, other parts है बहुत सारी हैं जो मैं आगे बताऊंगी अब चलते सिलेबस को इन डिटेल डिस्कस करते हैं पहले आते हैं लॉ पार्ट में लॉ में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे प्रीलिम्स एग्जाम में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आईपीसी इंडियन पीनल कोड इंडियन एविडेंस एक्ट गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सिर्फ चैप्टर पढ़ना है आपको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर लिमिटेशन एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसमें भी आपको सिर्फ दो पार्ट्स पढ़ने हैं पार्ट थ्री और पार्ट फोर है और फिर है कॉन्ट्रैक्ट तो ये हमारा सिलेबस हो गया प्रीलिम्स का अब आते हैं आगे के अदर पार्ट्स में अदर पार्ट्स में आपको क्वेश्चन मिलेंगे जनरल नॉलेज से इसमें आपको स्टैटिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मिलेंगे और करंट अफेयर्स भी मिलेंगे तो दोनों चीजें प्रिपेयर करिए रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी के भी क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश इंग्लिश काफी जनरल आती है टेंथ लेवल तक की ग्रामर आती है तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर करके जाइए अब चलते हैं नेक्स्ट राउंड पे जो कि है मेन्स एग्जामिनेशन का इसे भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है पैटर्न और सिलेबस अब पहले पैटर्न देख लेते हैं पैटर्न यहाँ का यूजली जैसे मेन्स में होता है वैसा ही होगा डिस्क्रिप्टिव नेचर का यहाँ पर मीडियम होगा इंग्लिश अदर देन लैंग्वेज पेपर लैंग्वेज का पेपर लैंग्वेज में ही होगा ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ पेपर तीन होंगे और टोटल जो मार्क्स है तीनों पेपर के मिला के वो है टू हंड्रेड अब देखते हैं पेपर का डिवीजन कैसे है पहला पेपर होगा क्रिमिनल लॉ का दूसरा पेपर होगा सिविल लॉ का और तीसरा फाइनल पेपर होगा लैंग्वेज का अब इसके सिलेबस को भी इन डिटेल डिस्कस करते हैं सबसे पहले आपने सिलेबस पेपर वन के जो की है क्रिमिनल लॉ सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है लेकिन उससे पहले मैं मार्क्स बता दूं ये जो पेपर है ये 75 मार्क्स का होगा और इसे लिखने के लिए आपको ड्यूरेशन मिलेगी ढाई घंटे की सिल्वर सब देखते हैं इसमें आपको मिलेंगे प्रोबेशन ऑफ से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इंडियन कोड इंडियन एविडेंस एक्ट जुबेप्शन डायग्नोस्टिक टेक्निकबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सिर्फ और सिर्फ चैप्टर सेवेंटीन रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर पे जो कि है पेपर टू सिविल लॉ का ये पेपर भी 75 मार्क्स का होगा और इसे लिखने के लिए भी आपको ढाई घंटे का टाइम मिलेगा अब सिलेबस देख लेते हैं सिलेबस में है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर लिमिटेशन एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और गुजराती कोर्ट फीस एक्ट क्रिमिनल लॉ से कम्पेरेटिवली छोटा है सिलेबस सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली अब चलते हैं फाइनल राउंड पे जो की लैंग्वेज पेपर का ये पेपर होगा फिफ्टी मार्क्स और इसे लिखने के लिए आपको डेढ़ घंटे मिलेंगे यहाँ पर आपकी गुजराती लैंग्वेज टेस्ट की जाएगी तो अगर आप गुजरात टारगेट कर रहे हैं तो गुजराती प्रिपेयर करके जाइए अब चलते अपने फाइनल राउंड पे जो कि है इंटरव्यू का राउंड ये इंटरव्यू का राउंड होगा 50 मार्क्स पर यहाँ पे आपको टेस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ जनरल नॉलेज सोशल नॉलेज और एकेडमिक नॉलेज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट की जाएंगी आप पर्सनालिटी आपकी सारी चीजें इन जनरल नेचर के टेस्ट की जाएंगी और अगर आप गुजरात का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप उस स्टेट के करंट और स्टैटिक इवेंट्स को भी पढ़ के जाइए वो भी आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू में तो ये था मेरा वीडियो अबाउट गुजरात जुडिशरी सिलेबस अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए और ऐसे ही और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू